चलो देखते हैं, क्या पता वही हो तुम्हारा होने वाला मालिक। आओ चलो आ जाओ। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ये प्रताप उतना बड़ा शख्स है जैसा तुम बता रहे हो तो वो इस अश्व पर सवारी करके दिखा देगा, ठीक? जितना और जैसे भी उसके बारे में सुना है, हमारे अनुमान अनुसार वो तो उसके बाएं हाथ का खेल लगता है। अश्व को देख के लग रहा है कि इसके भरोसे कम से कम रेगिस्तान और पहाड़ पर कुछ युद्ध तो लड़ सकते हैं। क्या क्या बात है, पहले तो तुम कभी ऐसा नहीं करते थे। अगर तुम इस व्यक्ति के साथ जाना चाहते हो तो साफ साफ सुन लो, मैं नहीं बेचूंगा तुम्हें इसे। हाँ कह देता हूं। शांत हो जाओ, एकदम शांत है। अब समझा, तुम उस व्यक्ति से मिलना चाहते हो। चलो तुम्हें मिलवाता हूं। आप खम्मा गणिसा, एक दृष्टि शश पर डालें। कितने अश्व विक्रेता हमारे पास आते हैं और अपने साधारण अश्व को भारत का सबसे असाधारण अश्व बताते हैं। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में है। थक चुके हैं अश्वों को देखते देखते, संभवतः लगता है कि ऐसे अश्व का जन्म ही नहीं है। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए। अच्छा श्रीमान, ये बताइए कौन कौन से गुण चाहते हैं आप अपने अश्व में? हमें ऐसा अश्व चाहिए जो साधारण मार्ग पर नहीं, नदी नदी नाले नाले कीचड़ कीचड़ रेगिस्तान पहाड़ पहाड़ पर समान सहजता के साथ दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर बिना खाए कई दिनों तक दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो संकरे संकरे मार्गों पहाड़ी दरों पर गति के साथ संतुलन भी बनाए रख सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो हमें समझ सके, जिसे हम समझ सके, जो केवल अश्व ही ना हमारा भिन्न मित्र भी है।
ऐसा शो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखाई दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला कसीला और नखरे कुछ अधिक ही दिखा ही दिखा। अब इसे क्या हो गया अचानक? श्रीमान आपकी बातें चुभ गई इसे, इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। अरे भाई ये घोड़े को क्या हो गया? ये घोड़ा पागल हो गया क्या? अब तुम चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? पर्वतदास, हमें तुम्हारे सेनापति से खौफ ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुकर्रर इम्तिहान में ये नाकाम रहा। क्या था ये सब? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अब हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अपने गरिमा का कोई ध्यान भी है या नहीं आपको? अरे सेनापति बनाया आपको भाई जिला, और वो भी सबके सामने, और विशेष रूप से हमारे सैनिकों के सामने जिनका नेतृत्व करना है आपको युद्ध भूमि में, और आप एक साधारण अश्व नहीं साध पाए। नहीं आपके पास हमारे प्रश्नों का? हाँ, वह आवश्यकता से अधिक बिगड़ा हुआ था। हमारे सभी सैनिक अच्छे घुड़सवार हैं। वे समझते हैं कि जब अश्व बिगड़ जाता है तो वह कितना अनुशासनहीन हो जाता है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। लीजिए। क्या हमने कहा कि आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं? चिंता छोड़ दीजिए। तो आप कहते हैं कि हम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं? हम चिंता इसलिए कर रहे हैं प्रताप, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहिए। मित्र, हमें नहीं लगता कि आप सेनापति के उत्तरदायित्व के लिए उपयुक्त हैं। क्या आपका यह विचार उस बिगड़े हुए अश्व को नहीं साधने से है, या फिर आपकी जो हमारे प्रति व्यक्तिगत समस्याएं हैं इसलिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप स्वयं ही देखिए। हम इन सैनिकों के साथ इतने वर्षों से रहे, साथ में युद्ध अभ्यास किया है, सैन्य प्रशिक्षण लिया है, और छोटे मोटे ही सही किंतु युद्ध भी किए हैं। और आज जब उचित समय आया है, वास्तव में कुछ करने का समय आया है, शत्रु से जूझने का समय आया है, तो पता नहीं क्यों, किस कारणवश जीजा ने आपको सेनापति नियुक्त कर दिया। हमें तो लगता है कि यह जीजा के जीवन का सबसे अनुचित निर्णय था। तो पत्ता
बताइए आप क्या चाहते हैं। आपको अपना औचित्य सिद्ध करना होगा। यह सिद्ध करना होगा कि अफगानों के साथ जो लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी थी वो मिली भगत वाली लड़ाई नहीं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप अफगानों से मिले हुए हैं। यह सिद्ध करना होगा कि आप उनमें से ही कोई एक नहीं है। भीमा ने मरने से पहले कुछ उगला तो नहीं? नहीं हुकुम, भीमा तो कुछ नहीं बोला, किंतु किंतु क्या? शीघ्र कहो। आपकी पत्नी का संदेश आया है हुकुम कि आपका पुत्र कहीं खो गया है। बहुत ढूंढा हुकुम पर कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? दो दिन हो गए हैं हुकुम। सावधान, मेवार की महारानी सा पधार रही है। कमागणी रानी साहब, हम आप ही के लिए बुलावा भेजने वाले थे। इसे लेकर तुरंत बिजोलिया के लिए रवाना हो जाइए। ये संदेश कैसा रानी साहब, और किसके लिए? थमन सिंह जी, आप ये समझ लीजिए कि आपकी की हुई सारी भूलों को सुधारने का यह अंतिम अवसर है। राणा जी की मोहर लगा हुआ राज्य देश है ये, जिसके अनुसार आपको एक सैन्य टुकड़ी लेकर अपने नेतृत्व में बिजोलिया लेकर जानी है। किंतु राणा साहब मान कैसे गए इस राज्यदेश के लिए? ये जान के आप क्या करेंगे? आप उतना ही कीजिए जितना आपसे कहा जाए। इस बात का ध्यान रहे कि इस बार कार्य सफलतापूर्वक होना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराणी साहब, किंतु हम कुछ दिनों बाद ही कहीं जा सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारा पुत्र खो गया है और हमें उसे ढूंढना है। धमन सिंह जी, आपका इतना दुस्साहस कि आप हमारी आज्ञा में आनाकानी करें, राज आज्ञा में आनाकानी करें, आप अच्छे तरह से जानते हैं ना कि एक दो दिन का विलंब हमारी सालों की तपस्या पर पानी फेर सकता है। रावत जी को पहले ही संदेह हो चुका है कि बिजोलिया को लेकर यहाँ कुछ अनुचित चल रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप वहां जा पहुंचे हैं। आप चाहते क्या है धमन सिंह जी? हम एक और क्षण विलंब नहीं कर सकते। धमन, शांत हो जाइए रानी माँ, समस्या क्या है? तो बताइए क्या करना चाहिए हमें आपका विश्वास जीतने के लिए? यह सिद्ध करने के लिए कि आप अफगानों में से ही कोई एक नहीं है, आपको बिजोलिया के सैनिकों से लड़ना होगा। मान्य है सिपाहियों, सिपाहियों, आप सभी हमें मेरे के उस खुले भाग में मिलिए। क्या हो रहा है पर्वतदास, इस लड़की और सेनापति के बीच? लगता है हमने दोनों के बीच जो फूट के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे। आइए इस फूट का आनंद लेते हैं। आइए रानी माँ, हम तो यहाँ आपके और धमन सिंह जी की समस्या सुलझाना चाहते हैं। बताइए कहाँ उलझी है बात, समस्या क्या है इनकी? समस्या ये है कुंवर जगमान कि धमन सिंह का पुत्र खो गया है और हम चाहते हैं कि वे तत्काल बिजोलिया जाकर कुंवर प्रताप को यहाँ ले आए।
तो पुत्र खो गया है आपका। तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं धमन सिंह जी? आप तो हमेशा से ही रानी माँ के विश्वास पात्र रहे हैं ना। हर आदेश माना है आपने उनका, हर कार्य भी पूरा किया है, तो फिर आपके पुत्र को हम ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ जो रानी माँ कहती हैं वो करते जाइए। रही चिंता आपके पुत्र की, उसके लिए हम हैं ना। देख क्या रहे हैं हमें धमन सिंह जी, कहा तो आपके पुत्र को ढूंढवा देंगे, होगा यहीं कहीं चित्तौड़गढ़ में। ये छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना, वो भी हमारे होते हुए, आपको शोभा नहीं देता। क्या आपको हमारे सामर्थ्य पे संदेह है? तो फिर जाइए, जाके बिजोलिया कुंवर प्रताप को यहां ले आइए। अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। किया क्या है आपने कुंवर चकमा? आप घबराइए मत रानी मां, हम सदैव आपके साथ हैं। आप बस हमारा विश्वास कीजिए, केवल विश्वास। हमारे वीर सिपाही, आज हम ऐसे लड़ेंगे जैसे हम जन्म जन्मांतर के शत्रु। निकालिए अपनी तलवार, वार कीजिए। हम आप पे अपने हथियार नहीं उठा सकते, आप हमारे सेनापति हैं। अब इतना दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रताप। हम आपके सेनापति हैं, तो हमारे आदेश का पालन कर, आपका परम कर्तव्य है। सिपाही सेनापति से कभी प्रश्न नहीं करने, वो आंख मीच कर पूरी निष्ठा के साथ हर एक आदेश का पालन कर। और हम आपके सेनापति प्रताप आपको ये आदेश देते हैं, उठाइए तलवार, वार कीजिए। पता आपको संदेह था कि हम तो शत्रु से मिले हुए हैं, तो आज हम अपने मित्रों के साथ, आपके मित्रों के साथ, यहाँ आपके साथ, सबके साथ युद्ध लड़ेंगे। और हमारे विचार से ये युद्ध मिली भगत वाला युद्ध नहीं होगा। आप सब अपनी राजपूती आन के लिए लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि आपकी जीवन का अंतिम दिन। क्या कहा था हमने आपसे इसके बारे में? अति सुंदर, अब आप लोग भी मेले में अपनी दुकानें लगा सकते हैं। दूर दूर से आने वाले बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि बिचौलिया की स्त्रियों के हाथों में भी कला है। भाई जीलाल, मेले में कोई भारी संकट उठ खड़ा हुआ है। प्रताप वहां अपनी सेना के सिपाहियों से लड़ रहा है। अपने ही सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?